कपिल जी, आम चुनाव तक निफ्टी की रेंज आप क्या देखते हैं? आम चुनाव तक निफ्टी एक ब्रॉडर रेंज में जाने की उम्मीद है, जिसमें कि हम सपोर्ट 5820 से 5850 के बीच में ले सकते हैं कहीं, और रेजिस्टेंस में समझता हूँ 6280 के आसपास का रेजिस्टेंस इसका बनता है। इस ब्रॉडर रेंज में मार्केट को मूव करना चाहिए निफ्टी की बात करें। शेयर बाजार के लिए कौन सी सरकार बेहतर साबित होगी? शेयर बाजार के लिए सरकार जो भी आए पूर्णतः बहुमत में आए, और चाहे वो NDA हो चाहे वो UPA हो, क्योंकि UPA भी अगर हम देखें तो उसके कार्यकाल में भी ये जो ग्लोबल इकोनॉमी के कारण एक जो ड्रॉबैक रहा है, जो परफॉर्मेंस नहीं रहा है सरकार का, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा एक कोएलिशन जहाँ पे ज़्यादा हावी हो जाते हैं दूसरे रीजनल पार्टीज़, तो वो समस्या हर सरकार के साथ होगी चाहे वो UPA है NDA है। तो जो भी सरकार आए, ये जनता को करना होगा कि जो भी सरकार आए वो बहुमत की हो तो देश के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। रिटेल इन्वेस्टर शेयर बाजार से मुंह मोड़ चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ये इन्वेस्टर वापस लौटेंगे या बाजार केवल बड़े प्लेयर का होकर रह गया है? देखिए, अगर हम पिछले 10-15 साल के शेयर बाज़ार के इतिहास उठा के देखें तो ये हमेशा से रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर का ये दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें हम, कि वो बाज़ार चलने के बाद ही आते हैं। जब सही समय रहता है मार्केट जहाँ जो 15-16 के PE पे ट्रेड करता रहता है, उस समय रिटेल इन्वेस्टर नहीं होता, उस समय बड़ा प्लेयर ही होता है और वही वैल्यू एडेड स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स उसी के पास होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर का तो पार्टिसिपेशन आप देखेंगे कि 2007 और 8 में जब बाज़ार 19,000 के ऊपर 18,000-19,000 के ऊपर गया, तब रिटेल इन्वेस्टर बहुत तेज़ी से आया था। तो ये समस्या है, बट रिटेल इन्वेस्टर को तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि बाज़ार में निवेश का सबसे अच्छा समय यही होता है। कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, PE वैल्यूएशन अच्छे हैं मार्केट के, तो ये निवेश का सही समय है। शेयर बाज़ार में तेज़ी की अगला दौर जब आएगा तो किन सेक्टरों के हाथ में बाज़ार की कमान होगी? बाज़ार की कमान जो मैं समझता हूँ बाज़ार में जो आने वाला समय रहेगा, वो मुझे एक बैंकिंग सेक्टर अच्छे दिख रहे हैं और दूसरा फार्मा सेक्टर मुझे ठीक दिखते हैं। एक सेक्टर पे मेरी नज़र है जो चाहे तो निवेशक अभी से चालू कर सकते हैं, जिसमें छोटी मोटी खरीदारी, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है ये काफ़ी दिनों से अछूता रहा है, इसमें अच्छा दिखता है मुझे भविष्य। कपिल जी, आपने मोलतोल.in से बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद।